गुड इवनिंग मध्य प्रदेश, मेरा नाम कार्तिक और आप देख रहे हैं खबर टीवी न्यूज। चलिए हम बात करते हैं आज की अभी तक की मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरों की, जिसमें पहली बड़ी खबर है भोपाल से, जहां पर पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर ने गुरुवार को अपना जन्मदिन एक पेड़ माँ के नाम पौधा लगाकर मनाया। इसके बाद उन्होंने सेवा भारती आनंद धाम में बुजुर्ग महिलाओं के साथ अपना जन्मदिन मनाया और उन्हें साड़ी व कपड़ों का वितरण किया। अगली बड़ी खबर है भोपाल से, जहां पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा कि प्रत्येक जनजातीय व्यक्ति के विकास के लिए राज्य एवं केंद्र सरकार कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से विशेष पिछड़ी जनजातियों को प्राथमिकता के आधार पर योजनाओं के लाभ से लाभान्वित करने का कार्य संपूर्ण देश में चल रहा है। अगली बड़ी खबर है अनूपपुर से, जहां पर अनूपपुर से गुजरने वाली 13 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन 30 सितंबर से 11 अक्टूबर यानी 12 दिनों के लिए पूरी तरह बंद होगा। इसमें नर्मदा एक्सप्रेस, अंबिकापुर जबलपुर ट्रेन शामिल है और वहीं 1 जोड़ी ट्रेन परिवर्तित मार्ग से चलेगी। अगली बड़ी खबर है मुरैना से, जहां पर झोला छाप चिकित्सक के गलत उपचार से पिछले दिनों हुई एक युवक की मौत के बाद गुरुवार को पोरसा कस्बे में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के नेतृत्व में झोला छाप चिकित्सकों के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसके चलते झोला छाप डॉक्टरों की क्लिनिकों को सील किया गया। अगली बड़ी खबर है भोपाल से, जहां पर वन एवं पर्यावरण मंत्री रामनिवास रावत ने कहा कि चिन्हित रोगियों को उपयुक्त अस्पतालों में भेजकर उपचार कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल शहरीय समुदाय के शिक्षित युवाओं को बिना प्रतिभागी परीक्षा के न्यूनतम योग्यता के आधार पर विभिन्न विभागों में नौकरी दिलाने के प्रयास भी किए जाएंगे। अगली बड़ी खबर है भोपाल से, जहां पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि रीवा शहर के लिए बाईपास बहुत महत्वपूर्ण सड़क है। इसके 4 लेन में चौड़ीकरण का कार्य स्वीकृत हो गया है। डिवाइडर के साथ 4 लेन सड़क बनाई जाएगी। सड़क पर दोनों ओर 7 मीटर चौड़ाई की सर्विस लेन बनेगी, जिससे आसपास के गाँव के वाहनों को आवागमन के लिए 4 लेन में ना जाना पड़े। अगली बड़ी खबर है भोपाल से, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में खाद बीज की कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जो कालाबाजारी करते पाया जाए उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। रबी सीजन में किसानों को खाद बीज की कमी नहीं रहे, इसके लिए अभी से खाद बीज के भंडारण और आपूर्ति करने की व्यवस्था की जाए। अगली बड़ी खबर है इंदौर से, जहां पर कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश एवं अपर कलेक्टर गौरव बेलन के मार्गदर्शन में इंदौर जिले में मिलावटी एवं नकली खाद्य पदार्थ का व्यवसाय करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी है। इसी सिलसिले में गुरुवार को खाद्य सुरक्षा प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा वीर सावरकर नगर में बड़ी कार्रवाई की गई, जहां से 5,000 लीटर से अधिक नकली घी जब्त किया गया। अगली बड़ी खबर है ग्वालियर से, जहां पर पिछले 5 दिनों से 35 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच का अधिकतम तापमान बुधवार शाम को हुई हल्की बारिश के बाद गुरुवार को 3.0 डिग्री सेल्सियस लुढ़क कर 32.7 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 2 दिन घने बादल छाए रहेंगे, जिसके चलते पानी की संभावना है। दोस्तों, यह थी आज की अभी तक की मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरें जो हमने आप लोगों को बताई। अब आगे देखते हैं मध्य प्रदेश से क्या कुछ नया अपडेट आता है। वह तमाम खबरें हम आपके सामने बहुत ही जल्द लेकर आएंगे। दोस्तों, अभी के लिए नमस्कार। बहुत ही जल्द मिलते हैं मध्य प्रदेश के न्यू अपडेट के साथ।